नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी की सुलभ भारती का दूसरी इकाई का पाठ आठवां बीज पढ़ने वाले हैं। पाठ के लेखक है रामेश्वर दयाल दुबे जी। पाठ में लेखक ने एक बीज की कहानी बताई है, तो चलिए देखते हैं क्या दिया है कहानी में। एक नदी किनारे एक बीज पड़ा था। बीज बहुत छोटा था। वहाँ एक चिड़िया आई। बीज को देख कर चिड़िया उसे चोंच मारने लगी। तभी बीज अचानक से बोल पड़ा, रुकी रहो, जमीन में गड़ने दो, डाल पात होने दो, तब मुझे तुम खाना। बीज की यह बात सुनकर चिड़िया ची ची करते हुए वहां से उड़ गई। दोस्तों, क्या बीज कभी बोल सकता है? नहीं, लेकिन लेखक ने ऐसी कल्पना की कि बीज ने चिड़िया से बात की। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। कुछ दिनों बाद जब बारिश हुई, तब बारिश का पानी और धूप इनकी मदद से उस बीज में से अंकुर फूटा। कुछ दिन बाद वहां एक बकरी आई। कोम्पल के हरे पत्ते देखकर बकरी के मुंह में पानी आ गया। बकरी उस कोम्पल को खाने ही वाली थी, तभी कोम्पल ने कहा, रुकी रहो, जड़ को गहरे जाने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना। बीज की यह बात सुनकर बकरी भी मैं करते वहां से चली गई। कहानी में आगे क्या हुआ, यह हम दूसरे भाग में देखेंगे।